अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी जो है सीन कुछ ऐसा है, आज जो है फ्राइडे का दिन था और मेरा प्रोग्राम कहीं और का बना हुआ था, क्योंकि पिछले फ्राइडे आप सबको पता होगा हम गए थे स्विमिंग के लिए। अभी जो है फिलहाल वो प्रोग्राम मेरा नहीं बना हुआ, क्योंकि आज जो अचानक से मेरे चाचू की कॉल आई, मतलब जो अबू के कज़न है जिनका वाटर पम्प पे गैरेज है, उनकी कॉल आई कि भाई मैं अपनी शॉप की लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो आप आ जाओ, कुरान का नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई आज जो एक नया टॉपिक मिल गया, इससे ये होगा कि आप सबको पता भी चल जाएगा कि मेरे चाचू की शॉप कहाँ पे हो गई है। और अगर आप सबके, जाहिर सी बात है हर किसी के पास कार होती है, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं, इंशाल्लाह मैं एक अगले साल 2024 में इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कार लूँगा। अभी मेरा आप सबको पता है कि रनिंग लाइसेंस बना हुआ है, अभी मैं कार सीखा हुआ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी फिर से एक दो दिन कार मुझे किसी की चलानी पड़ेगी, उसके बाद जो है मैं वो अपना लाइसेंस जो है वो बनवाऊंगा ओरिजिनल जो बनता है, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह कार जैसे ही प्राइस कार की अगर लो हो गई तो मैं ले लूँगा। तो फिलहाल जो है सीन कुछ ऐसा है, तभी मैं जा रहा हूँ अपने चाचू की शॉप पे, न्यू शॉप से, वहाँ पे जाके आप सबको लोकेशन दिखाता हूँ और फिर कुरान खानी वगैरह करेगा अमान भाई, जो है वो दुआ करवाएगा इंशाल्लाह। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई अगर आप में से, जाहिर सी बात है अगर मेरी ये वीडियो 100 बंदे देखे उसमें से 5 बंदों के पास तो कार होगी, जो 5 बंदों के पास कार होगी जाहिर सी बात उसमें से किसी के पास तो ओल्ड मोटर की कार होगी, मतलब जो भी कार हो न्यू या ओल्ड, सिर्फ उसका इंजन पेट्रोल इंजन में मेरे चाचू काम करते हैं। वहाँ पे मेरे आपको सब कज़न मिलेगी, दानिश है, अलीम है, अलीम को भी आपने इफ्तार वाला व्लॉग में देखा होगा जो डोडरिया पे हम गए थे, रहीम होता है, रहीम अभी वहाँ पे नहीं है, रहीम ने अपना दूसरा गैरेज बनाया हुआ है, मतलब वहाँ पे मेरे आपको सब कज़न्स भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे और मेरे चाचू भी आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप जाके अपनी कार का बेफिक्र होकर आप काम करवा सकते, जो भी काम हो इंजन का, और इंजन के साथ सर आपको बॉडी का भी काम मिल जाए, सिर्फ पेंटिंग का काम नहीं, इंशाल्लाह क्या पता वो भी काफ़ी जल्दी चाचू के पास कोई ऐसी फैसिलिटी आ जाए जो वो काम भी स्टार्ट हो जाए। चलो चलते जल्दी अमान को लेते, उसके बाद चलते चाचू की न्यू शॉप पे। दुकानें पहले ये होती थी मेरे चाचू की कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ ही, तो अब ये दुकान खाली होने जा रही है। फिलहाल जो है देखता हूँ कि भाई कब्रों के सामान भरे हुए, देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो कब्र बन रही है, दादा के पास भी एक चक्कर लगा लेते हैं। इस सुबह के इस टाइम पे, मतलब 11-12 बजे जब काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, इस टाइम पे कब्रिस्तान में अकेले आने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन ये वही बंदा आ सकता है जिसको आदत होती है डेली, न्यू बंदा जो है कब्रिस्तान में अकेला ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जो है बंदा रास्ता भी भूल जाता है, और कभी कभी जो है खास करके ब्रह्मेत्री की कब्रिस्तान में मवाली वगैरह भी होते हैं, और अगर आप अकेले जा रहे हो तो उनसे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको, मतलब मेरे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरे पास 8 में कैमरा है, अगर कुछ भी ऐसा सीन होता है तो मैं उसी टाइम पे रिकॉर्ड करके लाइव वीडियो फेसबुक वगैरह पे चला सकता हूँ, जिससे मेरी फैमिली को पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट में ही होता हूँ हर टाइम, तो आप जो है अगर कभी भी ऐसा कोई सीन हो ना, कब्रिस्तान अकेला जाना पड़े, तो मैं यही बोलूँगा कि अकेले आप ना ही जाए तो अच्छा है, और उस दिन जाए जैसे जुमेरात वाले दिन शाम में आप चले जाए, उससे ये होता है कि शाम में जो लोग होते हैं। जो मैं दादा के पसंद सबसे पहले कब्रिस्तान आने से जो है सलाम किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, ये कपड़े वगैरह पता नहीं किसके पड़े हुए, शायद यहाँ पे नशा वगैरह किया है, तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। अभी आया तो मैं दूसरे काम से था, लेकिन अब्बू ने बोला कि इसको साफ़ कीजिएगा, इसको मैं किसी और जगह पे तो नहीं फेंक सकता, लेकिन यहाँ साइड में फेंक दूँगा इंशाल्लाह, रात को या शाम को आके इसको मैं आग लगा दूँगा। और बाकी ये भी चप्पल कपड़े पड़े हुए, तो इसको भी मैं साइड पर फेंक देता हूँ, पता नहीं किसके यार, ये सब मवालियों के ही होंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे सिगरेट वगैरह भी पड़ी हुई है, तो ये देख सकते हो ये पूरी कब्रिस्तान है। और अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे किन किन की कब्रें हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पूरा इसी के ऊपर भी बना सकता हूँ आप सबके लिए। फिलहाल जो अभी टाइम नहीं है इतना, तो हम दुआ करते हैं और चलते हैं वापस। मज़ा आ रहा है आपको? ये देख सकते हो आप, ये बादशाह का बहुत ही अच्छा शागिर्द है। हाँ भाई, काम सीख गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मुझे बताओ, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों का काम होता है? हमारे पास
सुजुकी का काम है। ज्यादा ट्रक सुजुकी का होता है और कार वगैरह का भी हो जाता है, सिर्फ पेट्रोल जी सर, पेट्रोल डीजल का नहीं होता, वगैरह भी करते हैं। अच्छा सही, अभी आप देख सकते हो कि अमान और अमान के दोस्त आए हुए। तो अभी जो है ये नई दुकान भाई, ये हमारी तो ये नई दुकान देख सकते हो, माशाल्लाह काफी अच्छी कंडीशन में ये दुकान। तो इस दुकान में जो है कलर वगैरह तो नहीं होगा ना, ऐसे ही ऐसे ऐसे टाइम कम है हमारे पास, बिल्कुल टाइम कम है इस वजह से। इंशाल्लाह आज इसका सेटअप हो जाएगा। और ये अमान के दोस्त जो है वो जा रहे हैं। अहमद अहमद मजा आ रहा है यहाँ पे बैठने। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि भाई मेरे चाचू के शॉप की लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। अब जो है लोकेशन तो ये साथ में ही शॉप है, जामोट आयत ट्रेडर्स शायद यही नाम है, मैंने अभी नाम सही से देखा नहीं है क्योंकि बोर्ड जो है बाल लगा हुआ है और मैं अंदर की साइड बैठा हूँ। और इसके बिल्कुल साथ ही जो है ये शॉप है मेरे चाचू की, और मैं आपको सामने रोड वाली लोकेशन भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये बिल्कुल जो है सामने कब्रिस्तान है फौजियों का, और इस कब्रिस्तान के सामने ये वहाँ पे आगे जो है पीएफ गेट है, सामने मेन पीएफ गेट है। माशाल्लाह से अमान भाई आ गए। अमान भाई क्या करोगे? हाँ सही है, मैं ये पढ़ता हूँ। और बेटा आप क्या करोगे? ये कुछ नहीं, हम पारा पढ़ोगे मेरे साथ? ये दानिश भाई बैठा हुआ है और ये अमान भाई, अमान के दोस्त जो है वो जल्दी में चले गए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं तिलावत कुरान। मैं जो अभी घर आया हूँ 1:15 का टाइम, और मेरे यहाँ पे जो है 1:35 तक जमात जो है वो जुमे की लग जाती है। अभी जो मुझे कपड़े भी चेंज करने, क्योंकि जुमे वाले दिन बंदा शलवार कमीज पहनता है, तो जल्दी जल्दी से फ्रेश हो गए ना के कपड़े चेंज करता हूँ, फिर जमात पे पहुँचता हूँ। दुआ कीजिएगा गाइस के मेरी जमात ना निकल जाए। अभी जो गाइस मैं आया हुआ था सेंटर, जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जो है वो काफ़ी क्लोज है, तो इसलिए मैं सेंटर आया हुआ था। और यहाँ से अभी मुझे छुट्टी मिल चुकी है क्योंकि आज मैं जल्दी जाना है, तो जल्दी मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि आज जो है DBA भी मैं कर रहा हूँ, तो आज सर सिटी ने मुझे मंगवाया हुआ है। तो चलो अब चलते DBA क्लास ज्वाइन करते, देखते क्या काम है, शायद एडमिट कार्ड आ गया इसलिए सर ने मंगवाया। तो चलो चलते और इस व्लॉग को इंशाल्लाह फिर शाम को एंड करेंगे। अभी जो है ये सीन है कि DBA से DBA की मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी सर से, जैसे ही मैं वहाँ से फ्री हुआ तो नमाज़ का टाइम हो गया, फिर मैं अमान के पास आ गया। अमान के मोहल्ले में मैंने नमाज़ पढ़ी है, इस मस्जिद में ही बैठा हूँ। यहाँ पे मैं बचपन में मदरसा पढ़ता था, जब भी आता हूँ तो बचपन याद आ जाता है। फिर इमाम साहब से भी अच्छी खासी मुलाकात हो गई। अब जो है मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे ब्लॉग के चक्कर में, दुआ कीजिएगा मेरा काम हो जाए। वो जो है अलग से मतलब ब्लॉग बनेगा, इस ब्लॉग के अंदर मैं एड नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। तो चलो फिर चलते अमान से मिलते और फिर चलते अपना जो आज दूसरा ब्लॉग बनाना है उसके चक्कर में। देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो है काफ़ी प्यारी मस्जिद है, यहाँ पे मैं जो है बचपन में मदरसा पढ़ा करता था, देख सकते हो। वापस ये जो है अहमद आज साइकिल चला रहा है। बस अहमद बस अहमद ब्रेक कौन है वो सीधा सीधा चला कर ब्रेक लगाना भी आता है रे इसको। सभी जो है हम अचानक से जा रहे थे बाइक में पेट्रोल डलवाने, तो देखा कि भाई सुल्तान भाई की दुकान जो है वो खुली हुई है।
ये सुल्तान भाई की शॉप खुली है। सबसे अच्छी बात क्या है कि सुल्तान भाई ने यार बाइक पे काम करवाया है। सुल्तान भाई मिठाई बनती है यहाँ बाइक पे काम कर जो सीन कुछ ऐसा है कि मैं ब्लॉग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ कितनी ज़्यादा जो है मेहनत लगती है हर एक ब्लॉग में।